सो वेलकम बैक टू द चैनल। आज के दिन हम कवर करने वाले हैं दमन बेतारी और क्रेटिया रिजॉर्ट। रास्ते में जाते समय हमें मिल गया फ्रेश गन्ने का जूस, तो पीते हैं पाली का गन्ने का जूस। जा रहे हैं रिजॉर्ट एरिया, रास्ते में मिल गया गन्ने का जूस ताज़ा। खासियत बोलते हैं इसको। क्या मशीन है, प्रॉपर्टी और चल के देखते हैं। मैंने काफ़ी सुना था ऑनलाइन इस प्रॉपर्टी के बारे में कि आप पाली उर्वर एरिया में आए तो ये प्रॉपर्टी ज़रूर विज़िट करें। तो क्या है खास इस प्रॉपर्टी में, चल के देखते हैं। आ गया यहाँ पे सिक्योरिटी चेक पॉइंट क्रॉस करके हम अंदर जा रहे हैं दमन बेतारी की प्रॉपर्टी में। यहाँ आपको एंट्री फीस भरनी है 50,000 IDR, जिसमें आपको मिलेगी वेलकम ड्रिंक, और वेलकम ड्रिंक पी के आप ये प्रॉपर्टी का लुफ्त उठा सकते हैं। वेलकम ड्रिंक पीने के बाद हम चले प्रॉपर्टी का लुफ्त उठाने। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़, यदि यहाँ पे आपके साथ कोई बच्चे हैं और वो जिद करने लगे उनके घोड़ा गाड़ी या कैमल राइड चाहिए, तो आपको उसकी व्यवस्था खुद ही करनी पड़ेगी। बहुत ही खूबसूरत ये प्रॉपर्टी है, सिर्फ वेलकम ड्रिंक के पैसे देके आप पूरी प्रॉपर्टी का लुफ्त उठा सकते हैं। हमने यहाँ पे काफ़ी सारी रील्स बनाई है, जो कि आप मेरे ID हरप्रीत _ थांदी पे देख सकते हैं। यदि आप गूगल करें तो इंस्टाग्राम फोटोज के लिए ये एक बेहतरीन जगह मानी जाती है। प्रॉपर्टी देखने के बाद थोड़े ड्रोन व्यू दिखाते हैं आपको इस प्रॉपर्टी के। और रात के समय यहाँ पे रामलीला का आयोजन किया जाता है, आप चाहें तो रात को फिर से आके यहाँ पे रामलीला देख सकते हैं और इसका लुफ्त उठा सकते हैं। जैसे कि मैंने अपनी पिछली वीडियोस में कहा, ये लोग काफ़ी प्रभावित हैं रामायण और महाभारत को लेके, और टूरिस्ट अट्रैक्शन में ये सारे शोज़ करते रहते हैं। चलिए यहाँ से और आगे चलते हैं क्रेटिया रिजॉर्ट, जो कि मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट मेरा अब तक का पाली एक्सपीरियंस रहा है, वो क्रेटिया रिजॉर्ट में रहा है। यहाँ से कुछ दूरी पे ही है क्रेटिया रिजॉर्ट, आधे घंटे में आप वहाँ पहुँच जाएंगे। और आइए आगे चल के देखते हैं। हम आ गए हैं अब क्रेटिया रिजॉर्ट, और यहाँ पे एक एंट्री टिकट लेनी पड़ेगी आपको। एंट्री टिकट 1,00,000 IDR की है, जो कि 500 रुपये होते हैं इंडियन करेंसी में। एंड टिकट निकाल के आपको एक बैंड दिया जाएगा, वो बैंड पहन के आप अंदर जा सकते हैं। यदि आपको रिजॉर्ट में टेबल बुक करना है तो आपको बहुत पहले अपनी बुकिंग कर लेनी चाहिए। और आप जैसे ही अंदर जाते हैं, ये अलास हरम की तरफ से क्रेटिया उपरोक्त में रिजॉर्ट बना गया है। यहाँ पे आपको कॉफ़ी टेस्ट करने मिल जाएगी, जो कि लुवाक से बनी हुई है, और यहाँ आपको लुवाक देखने भी मिलेगा। ये एक जंगली जानवर है, ज़्यादा इसके पास जाके ना खेलें। दूर पे यहाँ पे एक छोटा सा टेम्पल था, तो आप दर्शन करा दिए। ये थोड़े एरियल व्यू हैं, जो कि अर्ली मॉर्निंग लिए गए हैं जबकि रिजॉर्ट खाली था। यहाँ पे पाली स्विंग भी है, एंड ये सबसे बेस्ट पाली स्विंग है उबुद की। और आप यहाँ से रेंट पे कपड़े भी ले सकते हैं पाली स्विंग के लिए। कॉफ़ी शॉप को आप जैसे ही पार करते हैं बाईं तरफ, आगे कुछ दूर जाते ही ग्लास वॉक आती है। ये कांच के ऊपर आप चल के इस जगह का लुफ्त उठा सकते हैं। यहाँ से बड़ा ही प्यारा नज़ारा दिखता है
पूरी प्रॉपर्टी का। यहाँ अंदर कई सारे रेस्टोरेंट्स हैं जहाँ आप खाना खा सकते हैं यदि आपको भूख लगे, और आप अगर कोई पानी की बोतल या खाने का सामान लाते हैं तो वो आपसे बाहर सिक्योरिटी डेस्क पे ले लिया जाएगा, आप अंदर उन्हें लेके नहीं जा सकते, बैग चेक होता है आपका। और ऐसा कुछ है नज़ारा प्रॉपर्टी का। यहाँ एक वाटरफॉल भी है, यहाँ एक स्विमिंग पूल भी है। हमने सोचा पहले पूरी प्रॉपर्टी कवर कर ली जाए, उसके बाद हम स्विमिंग पूल में जाते हैं। यहाँ बहुत सारी जगह है जहाँ आप फ़ोटो खींच सकते हैं, और फ़ोटो खींचने के लिए कुछ समय आपको लाइन में भी रुकना पड़ेगा। ये ऐसी ड्रेस आपको रेंट पे मिल जाती है यहाँ पे, जो आप लेके सब जगह प्रॉपर्टी में जाके फ़ोटो खींच सकते हैं। इंस्टाग्राम फ़ोटो खींचने के लिए इन्होंने बहुत सारे ऐसी चीज़ें बना रखी हैं। पूरी प्रॉपर्टी कवर करने के लिए आपको काफ़ी घंटे लग सकते हैं, तो वक्त निकाल के एक दिन सिर्फ ये प्रॉपर्टी के लिए रखिए आप। इस स्पॉट पे फोटो खिंचा ली, चलो आगे चलते हैं। यहाँ एक स्विंगिंग ब्रिज भी है, आप जब भी ऐसे ब्रिज पे जाएं तो तेज ना चलें, दूसरे लोगों को चलने में दिक्कत होगी, लेकिन मैं कहाँ पास आने वाला था, ब्रिज खाली करवा दिया मैंने। मुझे ब्रिज इतना पसंद आया कि मैं दोबारा ब्रिज में चला गया और जाके पोजेस दे दे के दूर से फोटोज खिंचाने लगा, और जैसे ही कुछ लोग आए मैं वहां से निकल पड़ा। अच्छी फोटोज खींचने के लिए कुछ मेहनत तो करनी पड़ेगी आपको, और ये जगह मुझे काफी ही पसंद आई। चले चल के देखते हैं अंदर क्या है। प्रॉपर्टी सारी कवर करके फ़ोटो खींचने के बाद अब मैं जा रहा हूँ स्विमिंग पूल की तरफ। यहाँ हर जगह आपको राइस फील्ड्स मिलेगी, और वहाँ पे इंस्टाग्राम पे बहुत ही प्यारी फोटोज आती हैं। सारा दिन घूम के थोड़ी बहुत भूख तो लगेगी ही आपको। यहाँ तीन इन्फिनिटी पूल है जिसके अंदर जकूजी बनी हुई है। सबसे ऊपर वाले पूल के यहाँ आपको एक लॉकर रूम मिलेगा जो कि खुला है, और आपको अपना सामान अपने ही जिम्मेदारी पे यहाँ पे रखना है, जो कि स्थित है इस पार्क के बगल में। यहाँ सबसे ऊपर वाला पूल है जिसकी हाइट काफी कम है। इसके बाद हम चलते हैं इसके नीचे वाले पूल में जहां पानी थोड़ा सा गहरा है। हर एक पूल के पास एक बार काउंटर बना है जहां से आप ड्रिंक्स ले सकते हैं और एक पूल में स्विमिंग कर सकते हैं। चलिए अब यहां से निकल के चला जाए तीसरे पूल में, और देखते हैं जाके तीसरा पूल कैसा है।
ये पूछ का खाली था, तो यहाँ पे मैंने काफी सारी फोटोज ली।